कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनावों में कांग्रेस और उसके गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। पायलट ने कहा कि हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, जिसने मुख्यमंत्री को ऐन मौके पर बदलकर हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और जनता पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन देगी। वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई और 3 चरणों के चुनाव के बाद वहां भी कांग्रेस की वापसी का दावा किया। पायलट ने कहा कि इंडिया गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट देने का फैसला दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी सभी को लेकर साथ चलना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का दावा करने वाली पार्टी 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने का माहौल नहीं बना पा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सरकार को कई मुद्दों पर बैकफुट पर आना पड़ा है। फिलहाल में 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जहाँ प्रचार चालू हो चुका है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बना है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहाँ पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गठबंधन है और वहाँ बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए पिछले कई सालों में, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम भी जमहूरियत में विश्वास रखती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 चरण का चुनाव जो होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद वहाँ पर दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस का जो एक राष्ट्रीय गठबंधन बना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने हरियाणा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट दी है, ये इस बात को दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलना जानती है और आगे चल भी रही है। बाकी 2 राज्य हैं झारखंड महाराष्ट्र, वहाँ पर भी चुनाव होने हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो दल, वो पार्टी, वो सरकार जो दावा करते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का, वो ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जहाँ निर्वाचन आयोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ करा सकता है। राजस्थान में अनेक उपचुनाव होने बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने बाकी विधानसभा के, उसकी भी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं कथनी करने में फ़र्क है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरह का रवैया सरकार का रहा, सरकार अब बैकफुट पर है, एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है, जवाबदेही हम तय कर रहे हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर तमाम मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, जो विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में उस पर उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो जो बहुमत का घमंड और अहंकार 10 साल था वो जनता ने 4 जून को उतार दिया है। 4 जून के बाद एक नई सच्चाई, नई असलियत देश के सामने आई है और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के आग्रह को स्वीकार किया, नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जिस प्रकार वो सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बदले हुए माहौल को दर्शाता है। और मैंने देखा है जब भी भाजपा बैकफुट पर आती है वो सीधा सीधा राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो उनके ऊपर लांछन लगाना, विरोध करना, ये उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन हमें जनता में पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ पर हम सरकार बनाएंगे और जहाँ विपक्ष में हैं वहाँ पर भी नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिली है, नेताओं को मिली है। और जिन राज्यों में मैं दौरे करता हूँ वहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ एक बदलाव हो रहा है, एक धरातल पर एक एहसास मुझे होता है कि राजनीति बदल रही है। लोगों की आज 10 साल से जो लोग थक चुके हैं, पुराने वादे, वही आश्वासन, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सब लोग दुखी परेशान हैं। जो केंद्र सरकार का बजट भी आप लोगों ने देखा होगा वो भी अपनी सरकार की जो बैसाखियाँ हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को झूठे आश्वासन देकर खुश करने का काम किया है। लाखों करोड़ वो राज्यों को दे रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बिहार के भाइयों से या आंध्र प्रदेश के लोगों से, लेकिन उन दोनों राज्यों को राजनीतिक मजबूरियों के खातिर उनको आश्वासन दिया गया और बाकी तमाम देश के लोगों को महरूम रखा गया। राजस्थान के लोगों ने क्या गलती की थी कि बजट में उनको कुछ नहीं मिला? सिर्फ गलती जनता ने की यहाँ कि 11 सीट भाजपा को हरा दी, तो इसका उन्होंने बदला लिया एक तरह से।
तो इस प्रकार का भेदभाव और पक्षपात जब होता है तो वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, संगठन लगातार काम कर रहा है और आने वाले उपचुनावों के अंदर सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने वाली। पायलट ने राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि राज्य में दुष्कर्म और अन्य अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विफल होने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका है। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए और कहा कि संस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। आज हम खड़े हैं जोधपुर के अंदर, लगातार यहाँ पर जो दुष्कर्म हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से बिखर चुका है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब आज भी मैं देखता हूँ केंद्र सरकार तो मनमोहन सिंह जी को कोसती है कि 10 साल पहले यूपीए सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म, तमाम तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने पैर पसार रहे हैं और सरकार नाकाम है। सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, किसी को मालूम नहीं कि कोई मंत्री कैबिनेट में है कि नहीं है, संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है, सरकार में तीन लोग अलग बातें बोलते हैं, तो एक जो बिखराव है बहुत जल्दी हो गया। आमतौर पर 3-4 साल के बाद एक खिंचाव होता है सरकारों के अंदर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत शुरुआत में ही अलग अलग सत्ता के केंद्र बन गए हैं। उसका नुकसान लोगों को होता है, जो नीति निर्माण होती है, गवर्नेंस होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। जिनके वर्क ऑर्डर हम देख गए थे उन कामों को भी नहीं करा पा रहे हैं, तो मिसमैनेजमेंट भी है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत जल्द उनका मन उठ चुका है।